दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की मौत ने हर किसी को दहला कर रख दिया है। उनकी 12 अक्टूबर को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। सिद्दीकी की मौत से उनका परिवार सदमे में है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। बाबा सिद्दीकी की मौत से उनके बेटे जिशान टूट गए हैं। सिद्दीकी मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किए गए। रविवार की रात करीब 9 बजे उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनका जनाजा उठने से पहले घर के बाहर नमाज जनाजा अदा की गई। इस दौरान जिशान पिता के जाने से दुखी नजर आए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी की अंतिम विदाई में उनके बेटे और बेटी साथ हैं। लोग उन्हें सहारा भी दे रहे हैं। इससे साफ दिख रहा है कि पिता की मौत ने जिशान को किस तरह तोड़ कर रख दिया है। बता दें कि इससे पहले बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर लाया गया था। सलमान खान भी बाबा सिद्दीकी को आखिरी बार देखने के लिए उनके घर पहुंचे थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहे सवालों का भी उन्होंने एक टुक जवाब दिया। कल की घटना बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, और उसमें मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक यूपी का, एक हरियाणा का, तीसरा आरोपी फरार है जो उसको पुलिस की टीमें हमारी अरेस्ट करने के लिए उनको सब जगह भेजी है। वो जल्दी उस अरेस्ट हो जाएगा और ये सब जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम मुंबई में आकर जिन्होंने किया है उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। वो बिश्नोई गैंग हो या कोई अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग हो, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। बता दें कि इस मामले में पुलिस की धरपकड़ जारी है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर शिंदे सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।